हमारी आज की प्रॉब्लम। अंजलि लाइक्स टू प्ले मैथमेटिकल ट्रिकी गेम्स। शी गेट्स एन नंबर ऑफ एन एरे। हेल्प अंजलि टू राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ एन एरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकेंड हाफ ऑफ एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक एरे है आपके पास और उस एरे में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट हाफ है एरे का उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और जो सेकेंड हाफ है एरे का उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। उसके बाद आगे बोला गया है इफ द साइज ऑफ द एरे इज जीरो और लेसर देन डिस्प्ले मैसेज एज एरे साइज शुड बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर यूजर साइज अगर एरे का जीरो या उससे लेस देन देता है तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले करा देना है एरे साइज शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे सैंपल इनपुट दिया गया है, जैसे सबसे पहले हमने बोला एंटर द साइज ऑफ एन एरे, तो यूजर ने अगर 5 इनपुट कराया तो उसके बाद यहाँ पे 5 एलिमेंट हमें यूजर से लेने हैं एरे में स्टोर कराने हैं उनको, और इसके लिए आउटपुट आना चाहिए इस तरीके से। मतलब यहाँ पे जो 3 एलिमेंट है स्टार्टिंग के वो फर्स्ट हाफ हो गया एरे का और बाकी के जो 2 लास्ट के एलिमेंट बचे हैं वो सेकंड हाफ हो गया। जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे अगर यूजर एंटर करता है 0 साइज ऑफ द एरे तो उस केस में हमें यूजर को मैसेज दे देना है एरे साइज शुड बी ग्रेटर देन 0। सब बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे कि यूजर अगर एन देता है 5 तो उस केस में वहां पे वो 5 एलिमेंट्स एंटर करने वाला है। तो अब इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एन हमारा ऑड है तो उस केस में जो एक एरे होगा उसमें ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और दूसरा जो एरे होगा उसमें एलिमेंट कम होंगे। तो जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये 5 एलिमेंट है यहाँ पे, तो 5 में से जो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हैं वो एक एरे में जाएंगे फर्स्ट हाफ में और जो बाकी के 2 एलिमेंट है वो सेकंड हाफ में जाएंगे। वहीं पे अगर हमारा एन इवन होता तो उस केस में 3 फर्स्ट हाफ में होंगे और 3 सेकंड हाफ में होंगे, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे इनको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे, मतलब हम अगर 2 एरे बना लें जो जिसमें फर्स्ट हाफ में हम 3 एलिमेंट ले लें और सेकंड हाफ में हम 2 एलिमेंट्स ले लें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और देन उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है एन बाय 2 प्लस 1। और वहीं पर अगर हम बात करें इवन की तो उस केस में हमें सिंपली क्या कर देना है एन डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद जब हम 2 एरेज सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, मतलब हम 2 एरेज बना लेंगे, तो फर्स्ट हाफ का जो एरे होगा हमारा वो एक एरे में जाएगा और सेकंड हाफ का जो एरे है वो हमारा दूसरे में जाएगा। मतलब आधे आधे एलिमेंट हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट हाफ का जो हमारा एरे है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे और सेकंड हाफ का जो एरे है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, एंड देन उसके बाद कंप्लीट दोनों एरे का जो आउटपुट है वो सिंपल डिस्प्ले करा देंगे। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको सी में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इंटीजर लिया है एन और मैंने यूजर को मैसेज दिया एंटर द साइज ऑफ एरे। तो जैसे यूजर साइज एंटर करेगा हम उसको स्कैनएफ के थ्रू स्टोर करा लेंगे एन में। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे वैलिडेशन वाला काम किया है, जो हमें कंडीशन दी गई थी कि अगर साइज हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ एन लेस देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मैंने यूजर को मैसेज दे दिया एरे साइज शुड बी ग्रेटर देन 0 और वहीं से मैंने करा दिया एग्जिट। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिए हैं n1 और n2। अब n1 क्या है, मेरे फर्स्ट एरे का साइज होने वाला है और n2 मेरे सेकंड एरे का साइज होने वाला है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 2 अलग अलग सेपरेट एरे बना लेना है। इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे ईजी है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो n1 है उसका साइज कैसे डिसाइड करूंगा मैं, तो अगर मेरा n इवन होता है तो उस केस में मैं n1 में असाइन करा दूंगा n/2। ये यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर वाला स्टेटमेंट एक्सप्रेशन यूज किया है, तो उसके हेल्प से क्या होगा, अगर ये इवन होगा तो उस केस में n1 में आ जाएगा n/2, और अगर ये ऑड होगा तो उस केस में आ जाएगा n/2+1। फिर उसके बाद अगर हमारे पास n1 है तो हम n2 का साइज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो टोटल साइज था उसमें से n1 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास n2 आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 एरेज बनाए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, विद द साइज n1 एंड n2। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लिया है int temp। सो जब यूजर यहाँ पे एलिमेंट एंटर करेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि n1 नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो तो फर्स्ट एरे में स्टोर करा लेंगे और बाकी के जो n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम सेकंड एरे में स्टोर करा लेंगे। देन जब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड हाफ के दोनों एरे हमारे पास आ गए तो उस केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट हाफ का जो एरे था हमारा उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है और सेकंड हाफ का जो एरे था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। फर्स्ट वाला जो एरे है उसको मैंने बबल सॉर्ट की हेल्प से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और एक और बबल सॉर्ट मैंने लगाया, उससे मैंने सेकंड वाले एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने सारे एलिमेंट फर्स्ट वाले एरे के प्रिंट करा दिए, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट सेकंड वाले एरे के प्रिंट करा दिए। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ।
सो सबसे पहले मैं इसको देता हूँ 5, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स एंटर करता हूँ जैसे 23, 65, 12, 22, 99. तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है 12, 23, 65, 99, 22. अब इसमें आप ये देखो, फर्स्ट के जो तीन एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं और लास्ट के जो दो एलिमेंट्स हैं 99 और 22 ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। अब इस सेम प्रॉब्लम को आप जावा में कैसे कर सकते हो, तो जावा में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर को मैसेज देंगे एंटर द साइज ऑफ एरे, तो यूजर जो भी साइज देगा हम उसको एक इंटीजर में स्टोर करा लेंगे इंट साइज में। फिर हम ये चेक करेंगे कि साइज हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो तो नहीं है, उस केस में हम यूजर को मैसेज दे देंगे एरे साइज शुड बी ग्रेटर देन जीरो और वहीं से कर देंगे एग्जिट। उसके बाद अगर ये इफ फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जैसे अभी हमने सी में देखा था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे n1 और n2 दो साइज ले लेंगे और जो यूजर ने साइज दिया है उसके अकॉर्डिंग दो एरे के लिए साइज ले लेंगे। फिर n1 n2 हमारे पास जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एरे लिस्ट बनाएंगे। सो इसका बेनिफिट क्या है एरे लिस्ट लेने का, वो ये है कि हम यहाँ पे सॉर्टिंग प्रीडिफाइंड फंक्शंस की हेल्प से कर पाएंगे और हमें यहाँ पे बबल सॉर्ट या कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम खुद से नहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो मैंने यहाँ पे मैसेज दिया एंटर द एलिमेंट, मैंने यहाँ पे दो लूप्स लगाए हैं। फर्स्ट वाला लूप है मेरा वो n1 नंबर ऑफ टाइम चल रहा है और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि हर बार एरे लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करता जा रहा हूँ। ये एक प्रीडिफाइंड मेथड होती है एरे लिस्ट की, उसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको मैं फर्स्ट वाली एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। सिमिलरली ऐसी सेकंड वाले लूप में मैं n2 नंबर ऑफ टाइम चला के और उसको सेकंड एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जब मेरे पास दोनों एरे लिस्ट में एलिमेंट्स आ गए तो अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट वाली जो एरे लिस्ट थी उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेथड यूज कर रहा हूँ सॉर्ट। फिर वैसे ही मैंने यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में मैंने यहाँ पे सेकंड पास किया है और सेकंड के साथ में मैंने दिया है कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। इससे क्या होगा कि जो हमारा सेकंड वाला एरे लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना था, फर्स्ट वाले एरे को असेंडिंग ऑर्डर में और सेकंड वाले एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। तो ये दोनों काम हमने सिंपल दो लाइन में कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगा के और दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए गेट मेथड की हेल्प से। तो इसको अपन रन करके देखते हैं। सो अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं इनपुट देता हूँ 5, अब यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट एंटर करता हूँ। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो थे हमारे 2, 5 और 12 ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए और लास्ट के जो दो एलिमेंट्स थे हमारे 100 और 99 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। अब बात करते हैं हम इसको पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पाइथन में बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया है एक सिस मॉड्यूल को, ठीक है, वो आगे समझ में आएगा क्यों किया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर को एक मैसेज देना है एंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो यूजर से जैसे मैं साइज लूंगा तो साइज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट फंक्शन का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूजर से साइज लेंगे और उसको यहाँ पे इंट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट करके एन में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम एरे में स्टोर कराने वाले वो है। उसके बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें यह चेक करना है कि एन हमारा जीरो या उससे लेस देन तो नहीं है, मतलब नेगेटिव तो नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हम यूजर को मैसेज दे देंगे एरे साइज शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे हमने लिखा है सिस डॉट एग्जिट, इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिस को इम्पोर्ट किया था, ठीक है। सिस डॉट एग्जिट से क्या होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाता है। अब इतना समझ में आया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगाया है। अब ये इफ एल्स से सिंपल वही काम कर रहे हैं जो अपन ने जावा और सी में अभी हमने क्या किया था, दो फर्स्ट और सेकंड एरे बनाए थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाइथन में लिस्ट होती है। अब दोनों लिस्ट में कितने एलिमेंट्स रखना है वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इफ लगाया, अगर हमारा एन मॉडुलो डिवीजन टू डबल इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब अगर इवन है अगर हमारा एन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n1 में स्टोर करा देंगे एन डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ये डबल डिवीजन का मतलब है इंटीजर डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अगर वो ऑड है तो एल्स में जाएंगे और n1 में आ जाएगा एन डिवाइड बाय 2 प्लस 1। उसके बाद n1 हमारे पास आ गया तो यहाँ पे n2 में क्या करेंगे, n-n1 कर देंगे। तो उससे हमारे पास n2 में आ जाएगा कि सेकंड वाली लिस्ट में कितने एलिमेंट हम स्टोर कराने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर को मैसेज दिया एंटर द एलिमेंट्स। अब यूजर जैसे ही यहाँ पे एलिमेंट एंटर करने लगेगा तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो लिस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। तो आधे एलिमेंट जो है हमारे पास वो हमें किस में स्टोर कराना है, फर्स्ट में, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें सेकंड वाली लिस्ट में स्टोर कराना है। और एग्जैक्टली बोलूँ तो n1 नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट वाली लिस्ट में जाएंगे और n2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेकंड लिस्ट में जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दो लूप लगाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया, इस वाले फॉर लूप की हेल्प से क्या होगा कि फर्स्ट वाली जो लिस्ट है मेरी उसमें सारे एलिमेंट अपेंड होते जाएंगे, यूजर से हम इनपुट लेते जाएंगे और उसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट करके सिंपल अपेंड कर देंगे हम
फर्स्ट वाली लिस्ट में, ऐसे ही सेम हमने सेकंड वाली लिस्ट के लिए एक फॉर लूप से किया। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे एलिमेंट मिल गए। तो अब पाइथन में क्या होता है, सॉर्ट फंक्शन होता है, जैसे अभी हमने देखा था कलेक्शंस डॉट सॉर्ट जावा में था, उसी तरीके से पाइथन में एक फंक्शन होता है सॉर्ट। अब इसको जब आप अप्लाई करोगे लिस्ट पे तो हमारी लिस्ट बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। अब सेकंड के साथ मैंने यहाँ पे आप देखो एक आर्ग्यूमेंट दिया है रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इससे क्या होगा कि हमारी जो सेकंड वाली लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लूप लगाए, एक फॉर लूप जो है उसमें मैंने सारे एलिमेंट फर्स्ट वाली लिस्ट के प्रिंट कराए, दूसरा वाला जो फॉर लूप है उसमें दूसरी लिस्ट के एलिमेंट प्रिंट कराए। तो इससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइज देता हूँ 5। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले 3 एलिमेंट्स क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, और लास्ट के 2 एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। इसका मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।